ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको देखना है। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे उदासीन परमाणु होते हैं। उदासीन परमाणु हमेशा उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, लेकिन जब उस उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोष से हम इलेक्ट्रॉन के रिमूव कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो उदासीन परमाणु होती है उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो हमें पता चलता है। जैसे कोई उदासीन परमाणु है उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हम जितना हेलो, हाँ, कहाँ वीडियो बंद हो गया, चालू तो है। अभी हुआ। हाँ आया, देख रहे थे कि उदासीन परमाणु का, जैसे मैं यहाँ पर एक उदासीन परमाणु ले रही हूँ कॉपर, ठीक है। उदासीन परमाणु मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा परमाणु जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, ना तो धनात्मक आवेश उसमें उपस्थित हो और ना ही ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन परमाणु। यहाँ पर एक लिख दे रही हूँ, ये उदासीन, एक उदासीन हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पर परमाणु लिए। जब उदासीन परमाणु में के बाह्यतम कोष से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, सपोज करें मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही हूँ। जब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो कॉपर उदासीन परमाणु से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ आयन में कन्वर्ट होगा। यदि हम कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें, यहाँ से हम क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कॉपर में क्या आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। मतलब ये है कि जब हम उस उदासीन, पहले उदासीन परमाणु कैसा रहता है, इनकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। उदासीन परमाणु है क्या, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, लेकिन जब हम इसके बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाले या दो इलेक्ट्रॉन निकाले या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने के कारण ही इसमें धनात्मक आवेश आ जाता है, और जितना ज्यादा इसमें धनात्मक आवेश आएगा वह उसका ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या किसे कहेंगे हम लोग, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन खोकर या किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकरण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। वो जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा वह उतना ही उनकी ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखें कॉपर की, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि कॉपर में कितना प्लस चार्ज है, 1, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इस प्रकार हम उसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब ऑक्सीकरण जो संख्या है वो बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो जब किसी भी परमाणु में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, उस कंडीशन में इसमें ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण नंबर बढ़ता है। इसके अपोजिट जब किसी भी परमाणु में अपचयन की प्रक्रिया हो, अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या कर, क्लोरीन माइनस चार्ज रखता है, ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl में। यहाँ पर ये ऋणात्मक आवेश है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl में। तो यहाँ जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम कौन सा क्रिया बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, और यहाँ जो क्रिया हुई उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोले, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो दोनों प्रक्रिया के फलस्वरूप हम क्या देखते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को।
यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? यहाँ पर देखें सीएल का तो -1, अब यहाँ पर देखें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था, ये अभी सपोज करेंगे 0 के इक्वल टू, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं है, तो ये होता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे ही हम कुछ परमाणु है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए कुछ देखेंगे, और साथ ही साथ जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी पढ़े हम लोग, जितने भी संकुल यौगिक पढ़े हैं, उनके लिए भी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। इसको निकालने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो पहला ध्यान रखना कि जितने भी संकुश आयन आयन पर उतने ही धन आवेश हो, जितना भी संकुल आयन है उस संकुल आयन पर उतना ही धन आवेश होना चाहिए जितना कि उस संकुल में उपस्थित हो। यदि धन आयन की संख्या कम हो कंपेयर टू ऋण आयन की संख्या, उस कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो माइनस में भी आ सकता है। तो इस प्रकार हम ये एक बता सकते हैं कि जो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक है, वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है प्लस भी होता है और माइनस में भी होता है, तो दोनों में वैल्यू हमें मिल जाती है, प्लस में भी मिलेगा और माइनस में। तो इसको हमें प्रूव करके दिखाना है, और साथ ही साथ कुछ कॉम्प्लेक्स है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया है, तो उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले नॉर्मल चीज क्या देखें, एक कोई कॉम्प्लेक्स ले रही हूं मैं, मान लो एक कोई संकुल ले रही हूं, एग्जाम्पल करके संकुल कोई एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये है Fe CN होल ट्वाइस 6 और ये आपका -4, ये है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करना है। कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है उसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए। तो कल मैं संकुल के प्रकार बताई थी, तीन प्रकार का होता है संकुल जो है, वो पहला धनात्मक था, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा उदासीन, तीन टाइप का बताई थी। तो ये हम यहाँ पर जो संकुल लिए हैं वो कौन सा है, ऋणात्मक आयन वाले संकुल। अब इसमें क्वेश्चन है कि हमें आयरन का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला को बताऊंगी अभी। सबसे पहले आप याद रखना, जिस परमाणु का हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं, तो Fe की जगह को हम क्या मान ले, एक्स मान लिए। फिर अभी आप हाँ, आ गया ना, तो हमें क्या करना है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होती है उसको एक्स मान लेना। दूसरा एक चीज याद रखना आप लोग, जितने भी उदासीन परमाणु होते हैं, जितने भी उदासीन परमाणु है उनके लिए ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना होता है, 0 होता है, उसको याद रखना आप लोग। अब यहाँ पर हमें निकालना है किसका, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या अब इस फॉर्मूले से देखते हैं, आयरन की जगह में हम क्या रख दिए, एक्स, ये आयरन है, आयरन की जगह में क्या रख दिए, एक्स रख दिए। सीएन साइनाइड का देखें, साइनाइड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो साइनाइड के लिए ऑक्सीकरण संख्या होता है आपका
-1 होता है इसके लिए, सॉरी इसके लिए 1 होता है, साइनाइड के लिए कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पर CN कितना है 6 है, तो उसको हम क्या कर दिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम देखें ऐसे, अब यहाँ पर क्या है ये आयन है, तो वो आयन कैसा है -4, तो ये यहाँ पर लिख दिए 4 -4। ठीक है, ये इसका साइनाइड का -1 होता है, सॉरी। अब इसको हम कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, एक्स का एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -6 = -4। एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, ये पक्षांतर होकर के कितना हो जाएगा +6। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। मतलब ये है ये एक्स क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज आयरन है, ये आयरन, तो आयरन के लिए हमको ऑक्सीकरण संख्या कितना मिल गया एक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ऐसे आपको ज्ञात करना। अब इसका फॉर्मूला को बताती हूँ, इसको ज्ञात करने के लिए, ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लेना M। ये यहाँ पर लिख लू फॉर्मूला फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर हम ले ले मेटल, देखो बीच में क्या लिख हुआ है मेटल, ये होल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट कर दिए, और सी एन जो रहता है वो उसको हम एल लिख दिए। ये जो एल का नंबर्स होता है, जितना भी नंबर एल का दिया रहता है उसको हम क्या मान ले यहाँ पर वाई, ऐसा लिखते जाना वाई, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ पर 4 माइनस है, 4 माइनस को हम क्या मान ले यहाँ पर एन। अब M है, M को क्या मान ले, M के ऊपर हम क्या लगा देते हैं ये X। इस फॉर्मूले से हम किसी भी संकुल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वेयर, जहां देखो क्या क्या है, ये सबसे पहले M, तो M इज क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रल एटम, क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम, लिखे इसको M इक्वल टू क्या हो जाएगा केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु। फिर आपका आ गया L, L इक्वल टू क्या है लिगैंड है, यहाँ पर ये लिगैंड। फिर आपका X, फिर Y और फिर आपका N है। तो X को देखें, X क्या है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था है, X इक्वल टू किया क्या हो जाएगा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु जो रहेगा उसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा ये धातु का। फिर आपका वाय है, तो वाय हो क्या हो जाएगा लिगैंड की संख्या, यहाँ पर देखो वाई इक्वल टू लिगैंड की संख्या। अब आता है एन, एन क्या है, तो एन इक्वल को आप लोग क्या लिखोगे संकुल आयन पर परिणामी आवेश, संकुल आयन पर परिणामी आवेश, वो धनात्मक आवेश हो सकता है, ऋणात्मक आवेश हो सकता है, तो संकुल पर परिणामी आवेश। इस फॉर्मूले को याद रखना आप लोग, इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहेंगे अब इसी के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला देखो कैसे लिखाता है, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एन कर दिया जाता है, एक्स प्लस इक्वल टू वाई फिर जेड फिर एन कर देना, तो इतना आपको लिखना। आप देखो यहाँ पर Z मैं यहाँ नहीं लिख पाई थी, Z यहाँ पर है रहेगा ये Z, तो ये हो जाएगा X
वाई देन इक्वल टू एन। वाई क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड। जेड क्या है? कितने यहाँ पर लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे कैलकुलेट किए। जैसे अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो, ये कॉम्प्लेक्स में मैं क्या की हूँ, आयरन है, उसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तो एक्स आयरन का हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, रख दिए एक्स। उसके बाद प्लस सी एन है, सी एन कितना है, सिक्स है, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस वन, तो ये माइनस वन रख दिए। इक्वल टू एन, एन इक्वल टू क्या है, संकुल पर परिणामी आवेश, यहाँ पर परिणामी आवेश। फिर ये आपका रखने के बाद ये चलते, तो इस प्रकार से आपको किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या दिया रहेगा तो उसको आपको ज्ञात करना है। इसी से कुछ एग्जाम्पल मैं कराती हूँ, और ऑक्सीकरण संख्या से ही कुछ कॉम्प्लेक्स है उसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। एक क्वेश्चन है आपका, सी आर ओ एक्स होल ट्वाइस थ्री, और है इसमें थ्री माइनस का, ये पहला एग्जांपल हो गया। देन सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है आपका CO NH3 और Cl3 minus, ये है। इन दोनों के लिए आपको ज्ञात करना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखते हैं हम लोग इसमें किसका निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इलेवेंथ में भी है ये ना, सी आर के लिए निकालना है, और यहाँ पर किसके लिए, सीओ कोबाल्ट के लिए निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले हम लोग क्रोमियम का देखें कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, एक्स मान लिए सी आर का। अब आता है प्लस, और ये इक्वल टू क्या कर दिए, थ्री माइनस, देखिए यहाँ। अब आता है ओ एक्स, ओ एक्स होल ट्वाइस थ्री है। ओ एक्स के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या देखनी है क्या होगा। तो ओ एक्स के लिए जब ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे तो इसके लिए होता है माइनस टू होता है ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी ओ एक्स मीन्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, माइनस टू, तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ माइनस टू। अब कितना है, इक्वल टू थ्री, एक्स प्लस माइनस सिक्स और माइनस थ्री। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस सिक्स, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, ये होगा। तो इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल जाएगा, सी आर के लिए ऑक्सीकरण संख्या प्लस थ्री होगा ये। दूसरा ऐसे ही आपको निकालना है, तो इसको आप लोग खुद निकालना। ये जो क्वेश्चन है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या आप लोग खुद निकालना। इसमें बता देती हूँ मैं, अमोनिया के लिए ऑक्सीकरण संख्या जो निकालोगे अमोनिया के लिए जीरो होता है, इसको याद रखना। इसके लिए कितना होता है, अमोनिया एक उदासीन अणु है, उदासीन अणु के लिए हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। क्लोरीन के लिए माइनस वन होता है, इसको याद रख लेना। और इसमें आवेश देखोगे तो इसमें आवेश कोई भी आवेश नहीं है, जीरो है। तो इनके लिए आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीकरण संख्या, और कैलकुलेट करने के बाद आपको बताना है कितना आएगा ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, तो आप लोग खुद से करना प्रैक्टिस।
और निकालना ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इन सब का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण। इसमें से जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन आता है उपसहसंयोजी यौगिकों का नाम लिखने के लिए आता है। दूसरी चीज इसमें से आता है यदि नाम दिया हो तो संरचना लिखने के लिए आता है। दोनों आता है इसमें, नाम दिया हो तो संरचना लिखना है और संरचना दिया हो तो उसका नाम लिखना है। नामकरण देखना है। तो नामकरण को देखने से पहले इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल को आपको पहले देख लेना है। उसका नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका IUPAC नाम लिखना रहेगा, और IUPAC नाम लिखने के लिए इसमें कौन कौन से विधि हैं या कैसे लिखेंगे। तो पहला देखो, पहला मेथड क्या है, सरल या जटिल यौगिकों में जितना भी यौगिक दिया रहेगा उसमें सबसे पहले आपको धन आयन को पहले लिखना है। सबसे पहले धन आयन लिखाया जाएगा, उसके बाद आपको लिखना है ऋण आयन को। पहला क्या है विधि में, यहाँ पर लिख लेना विधि पहला, पहले आपको धन आयन का नाम लिखना है, उसके बाद किसका लिखना है, ऋण आयन का लिखना है। ये कॉम्प्लेक्स में पहला रूल है कि पहले आपको नामकरण करना है तो सबसे पहले आपको धन आयन का नाम लिखना है, देन सेकेंड आपको ऋण आयन का नाम लिखना है। फिर दूसरा है जो उपसहसंयोजी क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बड़े कोष्ठक के द्वारा दर्शाते हैं, उसको आपको व्यक्त करना है। बड़े कोष्ठक में जो लिखा जाता है उसको भी आपको व्यक्त करना है, मीन्स उसमें लिखना रहेगा। तीसरी चीजें हैं जो समन्वयन मंडल बताई थी आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर, तो उस समन्वयन मंडल को लिखने के लिए हमें एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन लेटर में लिखना है। रोमन लेटर मीन्स आपका जैसे III III ऐसे करके लिखते हैं, तो वो रोमन लेटर में इसमें ऑक्सीकरण अवस्था को लिखना रहेगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है नाम लिखने के लिए, कैसे कैसे आपको नाम लिखना है। पहले धनात्मक का लिखना, उसके बाद किसका लिखना रहेगा, ऋणात्मक का लिखोगे, और फिर क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा उस कॉम्प्लेक्स का जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा मींस आपका जो आयन स्फीयर होता है उसको भी लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको। फिर ऑक्सीकरण अवस्था दिया रहेगा उसको रोमन लेटर में लिखना है। ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इस नियम को आप लोग बुक से पढ़ लेना, बुक में स्पेशली ये रूल को दिया हुआ है कि नामकरण लिखने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें और भी बताया है, जैसे ऋण आयन है, कोई भी ऋण आयन है जैसे क्लोरीन है, तो उसका नामकरण आपको लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे, क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ऐसा इसमें लिखाते जाएगा। तो जब आप इसका प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, लिखेगा। उसके बाद बताया गया है कि जब IUPAC इसका नामकरण लिखते हैं तो उनमें जो पूर्व लग्न लगा हुआ रहता है, जैसे उसमें 2 अणु 3 अणु पहले से दिया हुआ है, मोनो डाइट्राई ऐसा करके दिया हुआ है, तो उसको हम लोग 2 रहेगा 3 रहेगा तो ट्रिस बोलेंगे, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 2 रहेगा तो 20 बोलेंगे, ऐसा करके उसको आपको लिखना रहेगा। और उसमें जो आयंस दिया रहेगा, जितने भी आयंस दिया रहेगा उसको भी लिखना, जैसे जिंक दिया है
जिंक दिया है तो जिंकेट लिखोगे, क्लोरीन दिया है तो क्लोरो लिखोगे, ऐसे करके आपको लिखना है। टिन है तो स्टेनेट लिखाएगा, आयरन है तो फेरेट लिखाएगा, ऐसे आपको लिखना रहेगा। और वाटर है तो एक्वा लिखाता है, H2O है उसको हम पानी बोलते हैं, पानी ना बोल के उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। CO है उसको कार्बोनिल बोलेंगे, SO2 है तो उसको सल्फ्यूरिल बोलेंगे, है ना। तो ऐसे आपका बहुत सारा है जिसके थ्रू आपको उसका नामकरण देखना। तो हम यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो ऑलरेडी उसका नियम जो है हमें याद हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, कुछ लिख दे रही हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का हम क्या निकल लिखते हैं, ICSE नाम लिखते हैं। पहले हम लोग इजी से स्टार्ट करते हैं, जो सरल कॉम्प्लेक्स हैं उनको लेकर चलते हैं, उसके बाद आपका जो थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स है उसको देखेंगे हम लोग। जैसे इजी कॉम्प्लेक्स में एग्जाम्पल कुछ दिया है। चलो एक इजी सा लिखते हैं एग्जाम्पल, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। एग्जाम्पल है K4Fe आयरन, ये कॉम्प्लेक्स लिख रही हूँ। इस कॉम्प्लेक्स में इसका आपको नामकरण बताना है, ये है पहला कॉम्प्लेक्स, ये है। दूसरा एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं Fe3N4 होल ट्वाइस फोर माइन, ये है 200 कॉम्प्लेक्स। इन दोनों कॉम्प्लेक्स का आपको क्या लिखना है, सबसे पहले IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, IUPAC तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको लिखना है सबसे पहले जो धनात्मक, आयन्स होते हैं उसका नाम आपको पहले लिखना रहता है, ये है। अब इसमें धनात्मक कौन सा है, देखो तो ये धनात्मक कौन सा है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर नाम लिखोगे पोटेशियम, पोटेशियम नहीं दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे, कैसे रे आया अब थोड़ा नजदीक करके। अरे तुम्हारे साइड प्रॉब्लम होगा बेटा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब इसका नाम लिखना है, तो पहले क्या हो गया पोटेशियम का, पोटेशियम, उसके बाद ये साइनाइड है और कितना है 6, तो जितना रहेगा उसके लिए हम लोग मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसा यूज करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 6, तो पोटेशियम हेक्सा 6 है तो हेक्सा। फिर आपका सी एन है तो साइनो, साइनो
साइनाइड को हम क्या लिखेंगे, साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब आ गया फेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब यहाँ पर देखो आयरन है तो आयरन को हम क्या लिख दिए, फेरेट। अब इसमें याद रखना इनके ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है, जो कॉम्प्लेक्स दिया रहता है उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। और याद रखना ऑक्सीकरण संख्या हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। और दूसरी चीजें और क्या बताई हूँ कि वो रोमन लेटर में लिखाएगा, किसमें लिखाएगा, रोमन लेटर। अब हमें यहाँ पर देखना है इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखें ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो सकता है, इसका निकाल के देखें ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालें, आयरन का। तो जिसका हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम क्या मान लें, यहाँ कैलकुलेट कर दे रही हूँ ताकि इधर प्रैक्टिस भी हो जाए आपका। K4 FeCN होल स्क्वायर 6, ये है इसका ज्ञात करें। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, लिख दिए। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है तो एक्स मान लिए। पीएन का ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात है, कितना होता है, -1, तो -1 × 6, इधर कुछ भी नहीं है उदासीन है तो ये 0। तो ये 4 + x और -6 = 0। फिर हम क्या करें, एक्स की वैल्यू निकालें तो ये पक्षांतर कर दें तो माइनस किस में चला जाएगा, ये +6 में चला जाएगा, या सीधा यही माइनस कर दें तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 बच गया। देखो 6 में से माइनस गया तो -2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जितना आता है उसको रोमन लेटर में लिखना है, तो 2 के लिए रोमन लेटर क्या हो जाएगा, II। ये इसका IUPAC नाम होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। इतना आपको IUPAC नाम लिखना रहेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। सेकेंड का देखिए, हम लोग सेकेंड का लिखना रहेगा ये। अब इसमें देखो इसमें सीधा आयरन दिया हुआ है, इसमें इसमें क्या दिया, सीधा सीधा आयरन, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो। नाम क्या हो जाएगा ये, हेक्सा साइनो फेरेट। अब इसमें देखें ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, इसका इसका भी कैलकुलेट कर लें। आयरन का एक्स, साइनाइड का -6 और इसका -4, तो x = -4 और +6 = कितना हो गया, 2। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। और इसको किसमें लिखना है, तो रोमन लेटर। ये इसका IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आता ही है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। यदि स्ट्रक्चर दिया है तो नाम लिखने के लिए आता है, या नाम दिया रहता है तो आपको स्ट्रक्चर लिखने के लिए आता है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, ये जो टॉपिक IUPAC नाम लिखना, इसको अच्छे से जब प्रैक्टिस हम करते हैं उसी कंडीशन में इसमें IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें मैं आपको कुछ और क्वेश्चन हैं उनको उनका प्रैक्टिस करवा देते हैं कि कैसे आपको IUPAC नाम लिखना। ये तो सिंपल्स कॉम्प्लेक्स है उनका है, यदि कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स इसमें हम लोग लेते हैं उस कंडीशन में इनका IUPAC नाम क्या होगा। कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे कि जटिल कॉम्प्लेक्स में ले रही हूँ, Pt प्लैटिनम, NH3 होल टॉइस, और Cl फिर है NO2, और ओवरऑल है ये आपका, ये पहला कॉम्प्लेक्स हुआ, ये कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे बहुत सारे लिगेंड जुड़े हैं, और ये लिगेंड जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। लिगेंड कैसे हैं, अलग अलग प्रकार, इसी के आधार पर जितने भी संकुल हैं ना उसको दो पार्ट में डिवाइड भी किया गया, संकुल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। संकुल को एक को बोला जाता है, संकुल का नाम है, एक को बोला जाता है हिटरोलेप्टिक संकुल और दूसरा को बोला जाता है होमोलेप्टिक संकुल। दो भागों में संकुल को डिवाइड कर दिया गया है,
एक होता है होमोलैप्टिक, थोड़ा सा बता देती हूँ उसको, होमो लैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और दूसरा को बोला जाता है हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, हिट्रो लैक्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो लिगैंड होता है, जो कॉम्प्लेक्स से जुड़ा, संकुल से जुड़ा हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ जो लिगैंड है वो एक ही प्रकार का हो, एक ही प्रकार का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलैक्टिक। जैसे ये आयरन है और ये आयरन से जुड़ा हुआ सीएन है, वो सभी कैसा है, सेम है, और जब सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, होमो लैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे जुड़ा हुआ जो लिगेंड होता है वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर सीएन है, क्लोरीन है, Na2 है, फिर सीएन है, और फिर सीएन है, और फिर सीएन। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनसे जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वो अलग अलग है हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसी के आधार पर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया। तो हम IUPAC नाम इससे पहले किसके देखे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का, जिसमें लिगैंड जो है वो कैसा था, सेम था, मतलब एक ही प्रकार का लिगैंड जुड़ा था केंद्रीय धातु परमाणु। अभी हम जो कॉम्प्लेक्स देखेंगे उसमें जब एक से अधिक प्रकार के लिगैंड जुड़ा हो तो उसको हम कैसे, उसका IUPAC नाम लिखेंगे, और इसको हिटोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो धनात्मक आयन होता है उसका नामकरण पहले लिखते हैं। अब देखो, अब धनात्मक का तो लिखेंगे, बट इसमें देखो अब यहाँ पर क्या है, एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और नाइट्रो जुड़ा हुआ है, तीन लिगेंड जुड़ा है, और तीनों लिगेंड कैसा है, अलग अलग है। अब ऐसा कंडीशन में हम ये में क्या करना है, जब एक से अधिक लिगेंड जुड़ा हो उस कंडीशन में हमें, जब IUPAC नाम लिखते हैं उस समय लिगेंड को लिखने के लिए अल्फाबेटिकल लेटर लेना रहता है। जब एक से अधिक लिगेंड हो तो कैसा लिखना है, अल्फा बेटिकल लेटर से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अमोनिया, अमोनिया को हम क्या बोलते हैं, एमीन, फिर क्या है आपका नाइट्रो, और फिर क्या है आपका क्लोरीन। तो पहले क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और फिर आएगा नाइट्रो। तो IUPAC नेम में अल्फाबेट लिखने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले किसको लिख दें, अमोनिया को। अमोनिया को जब IUPAC नाम लिखते हैं तो अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3 को एमीन बोल देते हैं, एमीन। जैसे क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं वैसे इसको एमीन। और कितना है, दो, तो दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। तो यहाँ पर क्या नाम होगा, डाई एमीन, डाई एमीन। फिर आता है क्लोरीन और नाइट्रो। अब क्लोरीन और नाइट्रो में देखेंगे तो कौन पहले आएगा, क्लोरो सी पहले आएगा। तो यहाँ पर कितना है, क्लोरो क्लोरो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरोडो, बताइए आपको, क्लो रो टो क्लोरोडो, क्लोरीन को क्या लिख दिए, क्लोरोडो। फिर आ गया आपका नाइट्रो, और नाइट्रो कितना है, दो है यहाँ पर, यहाँ पर कितना है नाइट्रो, दो, तो इसको क्या लिख ले, नाइट्रो, ये हो गया आपका नाइट्रो। फिर आता है लास्ट में प्लेटिनम, लिखा गया सभी, सभी लिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, डाई एमीन क्लोरोडो डाई नाइट्रो, सॉरी डाई नाइट्रो। फिर आता है प्लेटिनम, फिर आएगा प्लेटिनम, ये इसका नाम होगा। अब ये कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा और देखना है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर क्या निकालना है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, और ऑक्सीकरण संख्या जितना भी आएगा उसको किस में लिखना है, रोमन लेटर में लिखना है। अब देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल देती हूँ मैं, कितना आएगा प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको हम क्या मान लिए, एक्स।
अमोनिया का देखिए, तो अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0 to 2। क्लोरीन का -1। फिर आता है NO2। नाइट्रो का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? तो इसका भी कितना होता है? -1। माइनस इसका भी कितना हो जाएगा? -1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, देखो नहीं है यहाँ पर कोई भी चार्जेस, इसलिए इसका कितना हो गया आपका? 0। तो एफ अमोनिया के लिए 0, और इसके लिए कितना हो गया? यहाँ मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। नाइट्रो के लिए देखना है, NO2 नाइट्रो के लिए कितना होता है? NO इसके लिए होता है आपका, नाइट्रो के लिए 1 ही होता है। नाइट्रो के लिए कितना होता है? 1 मिनट ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। नाइट्रो के लिए होता है आपका 0 2, -1 हो गया, ठीक है, -1 हुआ। अब इसको दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये -1 -1 +1, तो ये कितना हो गया? -2 इक्वल टू 0। फिर एक्स के लिए निकालेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 होगा। इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया आपका? +2। तो ये रोमन लेटर में आपको लिखना है, 2 लिखना है। तो ये होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो इतना आपको निकालना है। तो डाई, इसका नाम क्या हो गया पूरा देखें तो, डाई एमीन क्लोरोडो डाई नाइट्रो प्लेटिनम 2, ये इसका IUPAC नाम होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग खुद करके इस ग्रुप में डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में।